हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखा करिए, और बस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज का मेरा टॉपिक है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ही ज़्यादा ये काम का है। तो अभी विंटर सीज़न आ गया है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे बने बनाए खिले हुए। तो शौक़ पूरा करने के लिए आप उनमें से काफ़ी प्लांट आप ला सकते हैं। पर अगर आप नहीं ला पाते, क्योंकि विंटर के जितने भी फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए मिट्टी बहुत ख़ास बनानी पड़ती है, उनका धूप छांव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस टाइम भी मैं आपको बहुत सुंदर से, जब आपके पास अगर मेरी तरह ज़्यादा टाइम नहीं है, घर के भी बहुत काम होते हैं और गार्डनिंग भी करना है, तो ऐसे में आप गार्डनिंग का शौक़ कैसे पूरा कर सकते हैं, इनके लिए मैं हार्डी बहुत अच्छे अच्छे से प्लांट बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले तो यही हो गया, देसी हिबिस्कस। बहुत ही रफ टफ प्लांट है, और रफ टफ है पर हैवी फीडर भी है। तो इसकी फीडिंग के लिए आपको कहीं मार्केट नहीं जानी है, आपके किचन से ही निकलेंगे आलू के छिलके, केले के छिलके, और आपके आसपास अगर काउडंग मिल जाते हैं तो काउडंग का लिक्विड आप, खासकर जो केले के छिलके हैं उनका फर्टिलाइज़र आप 10 दिन 15 दिन के अंदर आलू इनको देते रहे, भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, आप देख सकते हैं। और मिट्टी अच्छी सी पोरस बनाए, रेतमिली मिट्टी, और धूप पे रखें। ड्रेनेज हमेशा बोलती हूँ, बहुत अच्छा बना के रखें। तो ये हो गया। इसकी कटिंग बहुत ईजली लगती है, आप मोटी पतली जैसी भी कटिंग आप लगाएं, सब कटिंग से ही लगे प्लांट हैं। एक बार ले आएँ आप कहीं से भी, उसके बाद एक से हज़ारों प्लांट आप इसके बना सकते हैं। तो इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। देखिए कितना सुंदर है, फ्लावरिंग करते हैं, इनके बर्ड्स देखिए पूरे भर भर के। उसके बाद ये देखिए एटिकोमा गौरी चौरी, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इनके इनके स्टेम में ये देखिए रूट उभरे उभरे ये रहते हैं ना, ये इसको आप वाटर में एक आध सप्ताह रख दीजिए, उसके बाद बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी, और परमानेंट प्लांट होता है। धूप में रखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद ये देखिए मिर्च हिबिस्कस, बहुत प्यारा प्लांट होता है, इस सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, कटिंग से बहुत अच्छे से लगता है। और ये देखिए इसके बर्ड्स देखिए, और इसको धूप में रखिए, और उसके बाद आप लेते रहिए इससे भर भर के फ्लावरिंग। पूजा पाठ में हर चीज़ में आपको किसी भी तरीके से आपको कहीं इधर उधर फूल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए लेंटाना, ये पीले कलर का लेंटाना है, और ये देखिए ये ऑरेंज कलर का है, मेरे पास देसी भी है। तो इसकी कटिंग आप इतनी सी कहीं से मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए, या नर्सरी से ही ले आइए और एक से कई बनाइए, बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं, और खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं आपके गार्डन में। उसके बाद ये सदाबहार का प्लांट, ये देखिए ये तो इसके हाइब्रिड वैरायटी है, ये खुद ही निकल आते हैं, मैं हाइब्रिड तो ख़रीदती नहीं। ये वाइट वाले हैं, और ये देखिए ये पर्पल वाले हैं। तो आप इनको ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में, भर भर के फ्लावरिंग लीजिए, कोई केयर नहीं मांगता ये प्लांट। उसके बाद ये देखिए जेट्रोफा, बहुत हार्डी प्लांट, बहुत रफ टफ प्लांट, और बहुत आसानी से चलने वाला, कोई डिमांड नहीं है इस प्लांट का। एक बार लगा के आप धूप में रख दीजिए और भूल जाइए, और कटिंग तो बहुत ईजली लगती है, बहुत ईजली। तो एक से कई प्लांट बनाइए इसका प्लांट आप, और इसको ज़रूर अभी ऐड करिए अपने गार्डन में। आप देख सकते हैं ना, खाली आपके गार्डन को रहने ही नहीं देगा, कितने प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर, दूर से देखने में और सुंदर लगते हैं। उसके बाद है ये मैरीगोल्ड, मैं वही प्लांट बता रही हूँ जो बहुत आसानी से लग जाते हैं, ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं, इनको मैंने कटिंग से ही लगाया है, और इनके फूल लंबे समय तक बने रहते हैं, एक बार खिलते हैं काफ़ी टाइम तक ये बने रहते हैं प्लांट में, और बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, और बहुत आसानी से इसको एक से हज़ारों आप आज इन दिनों आप बहुत सारे प्लांट इनको फैला सकते हैं अपने गार्डन में, और बहुत सुंदर सी ये रंगत देगा। उसके बाद ये कॉस्मोस, बहुत रफ टफ प्लांट, बहुत आसानी से लगने वाला, सीड से कटिंग से, और धूप का ही प्लांट है, और बहुत आराम से चलता है, और बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग करता है। इसकी डेड हीटिंग करते रहिए और ऐड करिए, इसमें ऑरेंज कलर भी आपको मिल जाएंगे,
तो आप इस प्लांट को ऐड करें अपने गार्डन में। उसके बाद है ये चांदनी का प्लांट, सिंगल चांदनी का, मेरे पास डबल चांदनी का भी है। तो ये भी बहुत आसानी से चलने वाला, जैसे जो बिगनर्स हैं वो लगा के छोड़ दो इन प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं है। दो चार दिन आप वाटरिंग भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तब भी ये आपके गार्डन में खिलते रहते हैं। उसके बाद ये देखिए हमेलिया का प्लांट, ये देखिए इसके फ्लावर भी महीनों महीनों ऐसे खिले रहते हैं। इसकी तो मैंने पता नहीं कब से प्रूनिंग नहीं की है, ना इनमें कोई फर्टिलाइज़र दिया है, कुछ भी नहीं। और ये परमानेंट प्लांट है, मैंने इसकी कटिंग ट्राई ही नहीं की है। इसकी कटिंग भी डेफिनेटली लगती होगी, इसकी स्टेम देख के समझ में आ रहा है, तो आप इसको ऐड करिए। उसके बाद है प्यारा सा, देखिए अलामांडा, इसको कोई कोई मैंडोविला भी बोलते हैं, मैंडोविला भी बोल सकते हो आप। इसकी पत्तियाँ तो बिल्कुल वैसी ही हैं, तो जो भी बोल लो, पर इस प्लांट को भी आप आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग बहुत आसानी से लगेगी और बहुत रफ टफ प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता और बहुत सुंदर सी रंगत ऐड करता है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये गॉम फेरना, ये देखिए इसके सूखे फूल आप स्प्रिंकल करके एक से हज़ारों प्लांट आप अपने गार्डन में फैला सकते हैं। बहुत आसानी से चलता है, एक बार खिलने के बाद ये बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, कटिंग से भी लगता है। उसके बाद ये ग्लाडिया, इसके दोनों कलर मेरे पास हैं, ये भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो होता है और कटिंग से भी लग जाते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं कितने सुंदर से कलर ऐड करता है ये अपने आपके गार्डन में। उसके बाद ये ऑरेंज टिकोमा, आप इसको ऐड कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट होता है, रफ्ट प्लांट होता है और बहुत सुंदर सी कलर ऐड करता है आपके गार्डन में और कोई ज़्यादा खास केयर नहीं मांगता। उसके बाद ये चित्रक का प्लांट, ये भी बहुत रफ्ट प्लांट है, एक बार आप इसको अपने गार्डन में ला के ऐड करिए, कोई केयर नहीं मांगता, ये आसानी से चलता रहता है। आप बस इसकी मिट्टी सूखे तो इसमें वाटरिंग कर दीजिए और डेड हीडिंग करते रहिए। इसके बाद ये जीनिया, जीनिया भी बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलता है और बहुत सुंदर सी कलर ऐड करता है, सीड से कटिंग से दोनों से बहुत आसानी से ये लगता है, तो आप इसको ऐड करिए। उसके बाद ये कैना लिली, इसके ऑरेंज कलर भी है मेरे पास और ये रेड वाला है, देखिए खिलेगा एक दो दिन में, तो इसके बल्ब आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसको एक से कई बना सकते हैं। ये नीचे नीचे मिट्टी में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और एक से हज़ारों प्लांट आप उनको अलग अलग करके बना सकते हैं। कनेर की बहुत सुंदर सा कलर है, वैरायटी है, कटिंग से ही मैंने इसको ऐड किया है, आप इसको ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये अपराजिता, तो अपराजिता अभी जैसे एक दो महीने बाद ये डोरमेंसी में भले चले जाएगा लेकिन आपके गार्डन में बना रहेगा और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता ही रहेगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद ये चाइनीज हिबिस्कस, से देखिए आज खिला नहीं है, बहुत सुंदर इसके फूल खिलते हैं, आप देखते होंगे मेरे गार्डन में, बहुत ईजी इसकी कटिंग लगती है, बहुत आसानी से ये चलता है, कोई खास डिमांड नहीं है इसका, कोई देख रेख नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। उसके बाद ये पिंक टिकोमा कितना सुंदर खिलता है, आप देखिए, आप इसकी डेड हेडिंग करते रहिए, जैसे फ्लावरिंग हो इनको यहाँ से कट कर दीजिए और नए नए ब्रांच निकलते रहते हैं, बहुत आसानी से चलने वाला रफ टफ प्लांट है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए ये मल्टी पेटल वाले हिबिस्कस की कलियाँ बड़ी बड़ी मेरी खिली हुई हैं। उसके बाद है देखिए ये है थनबर्जिया, आज नहीं दिख रहे हैं इसके फ्लावर, इसमें ब्लू कलर के बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं, बहुत रफ्ट प्लांट होता है, कटिंग से बहुत आसानी से लगता है, बहुत सुंदर से फ्लावरिंग करता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये है अलामंडिया की एक वैरायटी, देखिए कितनी सुंदर से फ्लावरिंग करता है, कटिंग से बहुत आसानी से लगता है और कोई केयर नहीं है इस प्लांट की, तो इस प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। आप ये देखिए पीले कनेर को भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ऑरेंज भी है, आप इसके तीन कलर आते हैं, तीनों कलर आप ऐड कर सकते हैं, रफ टफ प्लांट है, आप लगा के भूल जाइए, ये चलता रहेगा और फ्लावरिंग आप लेते रहिए इससे, बहुत प्यारा प्लांट होता है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर सी ब्यूटी ऐड करती हैं आपके गार्डन में, ये देखिए कितने इसमें कलियाँ बने हुए हैं। उसके बाद ये पिंक वाले कनेर हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर खिले हुए हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और बहुत रफ टफ प्लांट है, धूप का प्लांट है और कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, आप दो चार दिन इसको ना भी देखो तो ये चलेगा और फ्लावरिंग करता रहता है बारह मास, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है यूफोरबिया मिली, है देखिए इसकी ये छोटी छोटी वाली वैरायटी है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और ये बड़ी वैरायटी, सब मैंने कटिंग से अपने गार्डन में ऐड किया है, इसकी कटिंग बारह मास लगा सकते हैं आप, किसी बाई जून की तपती धूप में भी इसकी कटिंग लग जाएगी,
तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसके फ्लावर महीनों महीनों बने रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता बारिश से, धूप से, किसी भी चीज़ से इनके फ्लावर में कोई असर नहीं आता, ये एज इट इज़ बने रहते हैं। उसके बाद ये सावरिंग प्लांट आप इसको ऐड करिए, बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग करता है ये और कोई केयर नहीं मांगता, और ये खुद ही इसके रूट, एरियल रूट से इसके नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद ये नाग चंपा देखिए कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग करता है, आप देख सकते हो, देखिए। तो आप इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगती है और किसी भी टाइम लग सकती है इसकी कटिंग। तो आप इस प्लांट को भी ऐड करिए और बहुत सुंदर सा फ्लावरिंग इससे लीजिए, और बहुत सुंदर सा कलर भी ऐड करिए। उसके बाद आप ये अडेनियम को ऐड कर सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर सी इसमें बर्ड्स बने हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, और इसको ऐड करिए, इसको सीड से, कटिंग से, एक से कई बनाइए। और इसको भी खास डिमांड इसकी भी कुछ भी नहीं होती है, बस इसको सैलो पॉट पे लगाइए, ओवर वाटरिंग ना हो बस, फिर इसको महीनों पानी मत दीजिए, कोई कुछ नहीं बिगड़ता इसका। रेतीली मिट्टी बनाइए अच्छे से, ड्रेनेज होल वाले प्लांटर में ही इसको लगाइए, और बहुत सारे कलर इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद ये पीकॉक का प्लांट है, देखिए कितना प्यारा लगता है, इसकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर आपके गार्डन में ब्यूटी ऐड करती है। इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था, आप सीड से ऐड कर सकते हैं या कटिंग से, और कोई इसका डिमांड नहीं है। आप बस इसको लगा दीजिए और बस वाटरिंग का ध्यान करिए रखिए, कभी कभार इसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, उसके बाद बस इसको कुछ नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद है हमारा ये प्यारा सा देखिए बोगनविला, बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको तो आप बिल्कुल ऐसे लगा के और बस भूल जाइए, इसको ना पानी की ज़रूरत है ना किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। एक बार अच्छे से मिट्टी बना के आप अच्छी खिलखिलाती धूप में इसको रख दीजिए। मैं कितने सालों बाद इसकी रिपोर्टिंग की हूँ, देखिए न्यू फुटाव आपको दिख सकते हैं, देखिए। और मेरे पास कम से कम 7-8 प्लांट हैं इसके, देखिए वाइट वाले हैं, देखिए ये देखिए खिल रहे हैं, इधर भी खिल रहे हैं, इधर भी देखिए न्यू पत्तियाँ आ रही हैं, अलग अलग कलर के हैं। तो आप इनको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। जो बिगनर्स हैं और मेरी तरह कम टाइम दे सकते हैं, मैं उनके लिए बहुत सुंदर से प्लांट बता रही हूँ, आप ज़रूर मेरे इस बात को फॉलो करिएगा। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत सुंदर से फ्लावरिंग करती है और बने रहते हैं इसके फ्लावर लंबे टाइम तक, और एक कलर भी आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। और जिस कॉर्नर में ये प्लांट रखे रहते हैं उस कॉर्नर की बात ही अलग हो जाती है। अब ये सारे खिलेंगे तो ये देखते बनेंगे। उसके बाद ये बेबी सनरोज को लगाइए, सुपर हार्डी प्लांट है ये भी, है ना, ये बहुत आसानी से एक छोटा बच्चा भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकता है, बहुत आसानी से इसके कटिंग लगते हैं। आप इसको छोटे बड़े हैंगिंग जैसे भी प्लांट में लगाइए, खूब धूप में रखिए, बेबी सनरोज इसका नाम ही है, तो धूप में बहुत अच्छे से खिलेंगे, तो ये बहुत सुंदर से प्लांट होते हैं। ये देखिए मेरे ये लेंटाना की देसी वैरायटी है, अभी ठीक से इनको मैं जगह नहीं दे पा रही हूँ और खिल रही है। उसके बाद ये साइप्रस वाइन को लगाइए, ये पूरा बुरी तरीके से फैल गया था, जगह निकल गया है मेरे, तो इसको मैं ये नए प्लांटर में इसको लगा दी हूँ, यहीं पे लगा हुआ है, देखिए ये अपने आप निकल आया है। ये है ऑरेंज टिकोमा वाइन वाला, तो आप इसको लगाइए, बहुत हार्डी प्लांट है, इसको मैंने लगाया भी नहीं इस मिट्टी में, देखिए अपने आप ही निकल गया है, बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग करता है और कोई केयर नहीं मांगता है। उसके बाद ये मैरून वाले चंपा को भी आप लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं मांगता है, देखिए इसमें मैंने इसके पॉट में क्या क्या नहीं फूस के रख दिया है अभी पेंटिंग के टाइम में, तो तब भी ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देखिए बहुत रफ टफ प्लांट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी ये पर्सलेन पॉर्चुलाका को भी आप छोटे छोटे डब्बों में लगा के आप बीच बीच में पॉट के रख सकते हैं, ये अगले सीजन के लिए सेफ भी होता रहेगा, और जब तक इसको फ्लावरिंग करनी है करेगा, और अभी ये करेगा ही कुछ टाइम तक, और अपनी कलर आपके गार्डन में ऐड करेगा ही। तो आप इसको भी इधर उधर मत रखिए, इसको सामने ही रखिए अच्छे से किसी पॉट में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने वही प्लांट बताए हैं, अगर आप गौर करिएगा तो, बिगनर्स के लिए, जो अभी आप एक भी विंटर के प्लांट अपने गार्डन में ना भी ऐड करो, तब भी मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अभी हमारे घर पे काम चल रहा है, गार्डनिंग के नाम पे मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ अभी अपने गार्डन में, और उसके बाद भी आप खुद बताना, अगर जो भी मेरा वीडियो पूरा देखता है,
कि कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट मैंने बताए हैं, इन इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट के बाद अगर आप विंटर की कोई तैयारी ना भी करो या ना भी लगाओ तो आपका गार्डन क्या कहीं से खाली रहेगा? कहीं से भी खाली नहीं रह सकता। तो मैं स्मार्ट गार्डनिंग इसी को बोलते हैं, मतलब मैं ऐसे ऐसे प्लांट ही सिलेक्ट करती हूँ जिनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार लगा दो और भूल जाओ और वो आपके गार्डन में बने रहेंगे। आप दो दिन चार दिन में भी आके झांक लो तो मिट्टी अच्छी सी बना के एक बार काउ डंग मिला के, किचन वेस्ट कहीं बाहर से नहीं लाना है, जो भी किचन से कचरे निकलते हैं, सूखी पत्तियाँ, कागज़ के टुकड़े, गत्ते, कागज़ तो बिल्कुल फेंको ही मत, कोई भी कागज़ का टुकड़ा आप मिट्टी में ऐड करो, मिट्टी बहुत अच्छी सी बन जाती है, उसके मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है और बहुत भुरभुरी सी मिट्टी आपके लिए रेडी हो जाता है आपके प्लांट के लिए। तो आप मेरी तरीके से स्मार्ट गार्डनिंग करो, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छे प्लांट सिलेक्ट करती हूँ जो कि कम देख रेख में बहुत अच्छी सी रंगत ऐड करते हैं। गार्डन में चाहिए क्या आपको? खूब सुंदर सी एक कलरफुल बगिया आपको देखने को मिले, जिधर देखो उधर अलग अलग रंगों के फ्लावर आपको देखने को मिले, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? तो बस फ्रेंड, आज के लिए यही थी मेरी शेयरिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, और पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, बाय। और अभी भी देखिए कि मैंने बहुत सारे अपने गार्डन में लगे प्लांट नहीं दिखाए आपको, क्योंकि अभी उनमें फ्लावर नहीं है, मैंने कट छट कर दिया। जैसे लहसुनिया बेल में अब नई नई कलियाँ बनने वाली हैं, कुछ चंपा के प्लांट हैं जो अभी न्यू ग्रोथ कर रहे हैं और खिलने वाले हैं, तो उनको मैं नहीं दिखाई हूँ। बाकी वो सारे प्लांट भी आप ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में, जैसे ऑरेंज टिकोमा है, वाइन वाला, वो भी अभी खिलना स्टार्ट नहीं किया है मेरे गार्डन में। ये देखिए वाइट कनेर, ये देखिए दो आप वैरायटी का।